खाता, पीछे का आधा भाग बाढ़ लगने के डर से आगे के आधे में सिमटा से जाता, बड़ी बड़ी कुलाचे भरता, धरती पर कम दिखता और जैसे लंबे ही उड़ा चला जाता। अरे मैं इतना तेज इसका पीछा कर रहा हूँ कि ये मेरी आंखों से ओझल हुआ जा रहा है। आयुष्मान, यहाँ धरती ऊंची नीची की, मेरे रथ के लगाम खींचने से घोड़ों की चाल धीमी पड़ गई थी, पर अब आगे समतल है और इन्हें वहां पकड़ना कठिन नहीं होगा। तो ठीक है, लगाम धीमी छोड़ो। जैसी आयुष्मान की आज्ञा।
यौवन को होश जिसने तेरे स्तनों में इतना उबाल ला दिया। ठीक कहा है कि अभिनव शरीर महीन काठों से कंधों पर कसे और अपने स्तनों के विस्तार को अपने में लपेटे इस वल्कल में अपनी पूरी शोभा उसी तरह नहीं दिखा पा रहा जैसे पीले पत्तों के झुरमुट में एक नया फूल। देखें सैया, खफा में हिलती उंगलियों का न्याम का कृष्ण से कुछ कहता न जान पड़ता, तो चलकर इसे भी पानी दे दो जिससे यह मिला यहाँ आते चाहिए। तो पीछे हटने का नाम ही नहीं लेता, मैं ही दूसरी ओर चली जाती।
नहीं नहीं आप कष्ट न करें, आपकी मधुर वाणी से ही हमारा आतिथ्य हो गया। आए अब यहाँ बैठ जाइए, यहाँ ठंडी छाया भी है। आप लोग भी तो अपने पूरे गर्म से थक गए हैं, आप भी बैठे। आ शकुंतला अब हम यहाँ बैठ जाए। हरिणियों के साथ यही विचरण करती रही। इस समय तो धर्माचरण का अंकुश
जैसी तुझे आशंका, बल्कि एक शीतल रक्त है जिसे तू छू सकता है। देख अंशुया, अब मैं यहाँ से जा रही हूँ, जाकर आ रहे गौतमी को बताती हूँ कि प्रिय मदा यहाँ क्या क्या होता सीता बकरे। नाना शकुंतला, हम आश्रम वासियों के लिए उचित नहीं कि कोई अतिथि आया हो उसका आदर सत्कार किए बिना उनसे लौट जाने दे। ये तो सचमुच चल रही थी। सुन चंडी, तू इस तरह यहाँ से नहीं जा सकती। क्यों नहीं जा सकती? तेरे ऊपर मेरा ऋण है पूरी दो पेड़ सींचने का, पहले उसे उतार दे फिर जाना। ये बेचारी तो पहले इतने पेड़ सींच कर रखी, इसलिए इसका ऋण मैं उतार देता। अब तो सोच न गए, ये अंगूठी राजा पौरव ने मुझे भेंट में दी। तब तो आपको इसे अपने शरण नहीं करना चाहिए। शकुंतला के ऋण तो आपके एक शब्द से ही उतर गया। नहीं शकुंतला, आज मैं तुम्हारा ऋण उतार दिया। निराधार नहीं, क्योंकि चाहे मेरी बात से मिलाकर ये बात नहीं करती, फिर भी मेरे बात करने पर कान इसी और रहते। चाहे अधिक देर ये मुंह इस और नहीं रख सकती, फिर भी बहुत देर तक ये दूसरी किसी और देख नहीं पाती। Pratimatam niyamanasya
लड्डू खा ले।
शांत रहिए किंतु उसमें निहित है एक तेज जो कभी नहीं सुलग सकता। शीतल होते हुए भी सूर्य काज बनी धूप की गर्मी पड़ने पर सहसा भजन होती। जैसी स्वामी की आज्ञा आया खाना उत्साह दिलाने आप भी शिकार का वेश उतार दे और अपने अपने कार्य में लगे। जैसी महाराज की आज्ञा। मेरी ओर से जा
क्योंकि जो विपत्ति में हो उन्हें अभय दान देने में कौरव सदा से दीक्षित रहते हैं। आप लोग चले, मैं बस पीछे पीछे ही आ रहा हूं। तुम्हारी जय हो राजन। मित्र माधव्य, तुम्हें है इच्छा शकुंतला को देखने की? पहले तो इसमें कोई बाधा नहीं थी, परंतु राक्षसों की बात सुन के बाधा अपनी है। अरे मित्र डरो नहीं, तुम मेरे पास ही रहोगे। ऐसा है तो मैं तुम्हारे पहिए की रक्षा करूंगा जब तक कि कोई आके मुझे आंसू बहा नहीं देता। ठीक है, स्वामी की जय। आपके विजय प्रयाग के लिए प्रस्तुत है, परंतु नगर से राजमाताओं का आदेश आया है। माताओं का आदेश है? जी स्वामी। क्या कहें कि आज से चौथे दिन पुत्र पिंड पालन नामक उपवास होगा। उस दिन स्वामी अवश्य वहां उपस्थित रहे, इससे माताओं को संतोष मिलेगा। एक और तपस्वियों का आदेश, दूसरी ओर माताओं की आज्ञा, पुलक धन दोनों का ही नहीं किया जा सकता। ऐसे में क्या करना उचित होगा? निशंकों की तरह बीच में लटके रहना। हाँ, मन बड़ा व्याकुल, दोनों कार्य को अलग अलग स्थानों पर, इसीलिए मन उसी तरह बट गया है जैसे नदी का प्रवाह सामने पड़ी चट्टान से टकरा कर बट जाता है। मित्र माधव्य, माता तुम्हें भी तो पुत्र मानती है ना? तो मेरी जगह तुम ही क्यों नहीं करते? मैं जाकर माता से कह देना कि मुझे तपस्वी की रक्षा से लिए रुकना पड़ जाए। पुत्र के रूप में जो भी अनुष्ठान करता हूँ तुम ही कर देना। देखो कहीं ये मत समझना कि मैं राक्षसों से करता हूँ। अरे महाब्राह्मण, तुम्हारे बारे में कोई सोच भी सकता है भला? जाना है तो मैं राजा के छोटे भाई की तरह जाना चाहूंगा। ठीक है, तो तपोवन के कार्य में बाधा ना हो तो पीछे ऐसे सैनिकों को भी तुम्हारे साथ भेज रहा हूँ। तब तो अब हम युवराज हो गए। ये विदुषक बड़ा ही चंचल, कहीं वहां जाकर हमारे प्रणय की बात अंतःपुर में ना कह दे तो इसे इस तरह समझाता। देखो मित्र, मुझे तपस्वियों की रक्षा के लिए यहां रुकना पड़ गया। उस तापसी गंगा के लिए मेरे मन में तलिक भी अभिलाषा है। कहा हम और कहा वो जो इन हर इच्छाओं को हिसाब करनी पड़ी। वास्ता क्या है, इसे तो तलिक भी आभास नहीं। तो मित्र तुम कहीं मेरी कहीं बातों को सच में मान लेना। अगर आप ऐसा कहते हैं तो यही ठीक होगा। तो ठीक है, अब तुम अपनी तैयारी में लगो। तो ठीक है, अब हम चलते हैं। Bye.
सुबह पहुंचाने से तपस्वियों ने यहाँ से जाने की अनुमति तो दे दी। अरे तू मन अशांत, तो कहाँ चलकर इसे बहला? शकुंतला को देखने के क्षण से मन में शांति नहीं, तो उसी को खोजता। ये गर्मी शकुंतला प्राय सखियों के संग मारी भी तक के रहता कुंज में बिता दू, तो उसी को खोजता। छुपा के दीप पूजा के बहाने राधा के हाथ में ले आऊंगी। ये तो मन पर मुझे भी उचित लगा है।
तुम लोगों की बातों पर मैं आपत्ति करूंगी क्या? तो अपनी अवस्था का निरूपण करते हुए सुंदर पदावली की अच्छी लगी थी क्या सोचता? सोचती मतवाले खंजर की क्या हो रही है? तुम यदि कुछ और सोचती हो तो
काम के बाहर से आहत मैं, अब और भी आहत। मैंने सुना है कि राजाओं के कई कई प्रणय होते हैं, इसलिए ऐसा कुछ ना हो कि बाद में इसके वधु को इसके लिए चिंतित होना पड़े। अधिक क्या कहूँ, बहुत सी पत्नियों के रहते हुए भी मेरे कुल की केवल दो ही प्रतिष्ठाएं हैं, एक समुद्र से घिरी ये पृथ्वी और दूसरी आप ये सखी। यही सुनते हम नशीले हुए। जाते हुए मेरे हृदय पर लगा दी। ओ, दूसरे पति के कारण
पक्ष से लगकर इसे जो आश्वासन दे रहा है वही आश्वासन इसके से चाहा। पर और देर करने का सामर्थ्य मुझ में तो इसी बहाने सामने पहुंचा है। चली गई।
नहीं रुकता। जब विश्राम करके हो गई कमलिनी के पत्तों पर उसके हाथ से लिखा ही निर्णय ले और कलाई से गिरा ये मदाल बोले इन पर से आंखें हटाई नहीं सूरा है ये तपोवन किंतु यहां से जाते नहीं जहां दस्तों लिखो है
और दूसरी ओर अरुण ग्रंथन आते सूर्य का विभाव, एक और ज्योति का क्षय दूसरी का उदय, यही तो एक नियम है जिसे जीवन की परिस्थितियां बनती और बदलती है। तो जाके गुरुदेव से कह दो यज्ञ का समय हो गया। Thank you.
शकुंतला आज चली जाए या सोच करी एक अवसाद हल्के हल्के से मन को छू रहा रोके हुए आंसुओं से स्वर रुंसा गया है और आके चिंता के कारण कतरा गई है मुझे वन जीवन बिताने पर भी आज स्नेह ने इतना विकल कर दिया है तो मैं सोचता हूं कि उन्हें जो गृहस्थ में जीते हैं पुत्री से बिछुड़ने का अवसर आने पर इस नए दुख से कितनी कितनी पीड़ा होती होगी जो कि शकुंतला के वन जीवन का बांधव है
और इसी स्वर में वे उसे अपनी अनुमति की सूचना दे रहे हैं। पर देवताओं का मुझ पर बंधु जैसा ही स्नेह, उन्होंने मुझे जाने की अनुमति दे दी। जा, उनको जाकर प्रणाम कर।
चारण रव भगवान शकुंतला को सामने करके राजा से मेरी ओर से कहना। आज्ञा दीजिए, क्या कहना होगा? एक और इसका ध्यान रखते हुए कि हम लोगों का धन केवल तपस्या और दूसरी ओर अपने कुल की ऊंची मर्यादा का, तथा उसके साथ इसका भी ध्यान रखते हुए कि बिना इसके बंधुओं से अनुमति लिए तुमने स्वयं ही इसे अपने स्नेह पाश में बांधा है, अब इसे उसी तरह रखना जैसे तुम्हारी अन्य पत्नियां रहती हैं। इसके आगे कुछ हो तो वह इसका भाग है। लड़की के संबंधी अपनी ओर से संबंध में कुछ नहीं कह सकते। संदेश हमने ग्रहण कर लिया। पुत्री, मुझे तुझसे भी कुछ कहना है। हम मन में रहकर भी लोक व्यवहार से अनभिज्ञ नहीं है। हाँ, ऐसा कौन सा विषय है जिसका कि एक प्रतिभाशाली व्यक्ति को ज्ञान ना हो? पड़ो की शुश्रूषा करती रहना, सबकियों के साथ सखी का व्यवहार रखना, परिजनों में अधिक से अधिक अनुकूल रहना, और ऐश्वर्य में करना। ऐसा करने पर कन्याएं गृहिणी बनती है। पुत्री, एक वधु के लिए यही तो उपदेश होता है, तो सदा याद रखना, कभी भूलना नहीं। शकुंतला, अंगूठी दिखा देना जिस पर उसका नाम अंकित है। तुम लोगों के ये संदेश से तो मेरा हृदय और कांप गया। डर नहीं, स्नेह के कारण ही मन में सब तरह की आशंकाएं उठाती है। भगवान, सूर्य सिर पर आ गया है, अब इन्हें शीघ्र अनुमति दे। शिवास्ते संत पंताना। ये रहा ये
क्या किसी ने इनके तापस धन को बाधाओं से दूषित किया? क्या पशु पक्षियों के प्रति किसी से दुर्व्यवहार हुआ? मेरा मन चिंता से व्याकुल हो रहा है मित्र। आपकी पूजा से रक्षित इस कपोवन ने ऐसी आशंका ही कहा है? मुझे तो लगता है मित्र कि आपके सदव्यवहार से प्रसन्न होकर ये तपस्वी आपका अभिनंदन करने आए हैं। विदाई से आए आप लोग। अरे प्रिय मित्र बोलो आ गए। ऐसी बातें ऐसे
Thank you.
करता हूँ। एक दिन मैंने एक रोहित मछली पकड़ी, मैंने उसके टुकड़े किए तो मुझे बड़े बड़े रत्नों से जड़ित एक अंगूठी मिली। मैं उसे नगर में बेचने आया था कि आपके रक्षकों ने मुझे पकड़ लिया। महाराज मुझे क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे महाराज। महाराज ये रही वो अंगूठी। कलदास के धना के साथ बिना चाहती हो और खुशी खुशी दुष्यंत के साथ लौट जाऊंगी। बोलो
ताकि उनका पूरा वंश